और आगे बढ़ाएं 2024 के देखते हुए उनको उनका चेहरा बनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। राहुल गांधी अभी आने वाले हैं, सारे पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी देखेंगे क्या कहते हैं, लेकिन जरूर पार्टी ने चुनाव लड़ा, एकजुट होकर के अग्रेसिवली कैंपेन किया और जो बीजेपी का तरीका होता है चुनाव लड़ने का, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज नेताओं की जिम्मेवारी दी गई, क्योंकि बीजेपी हमेशा से छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो पूरी गंभीरता से और अग्रेसिवली लड़ती है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव को पकड़ के रखा, जाने दिया, हालांकि मुद्दे डाइल्यूट होने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब ने यही कोशिश की कि जो लोकल इश्यूज हैं, जो जनता के कंसर्न्स के मुद्दे हैं, वोटर के कंसर्न के मुद्दे हैं, उस पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट किया जाए। बार बार प्रियंका गांधी यही चाह रही थी और जो बीच बीच में मुद्दे आए थे, जहरीला सांप, बजरंग बली, तमाम मुद्दों से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, काडर को, वोटर को लोकल इश्यूज पे बांधे रखा, तो कांग्रेस ने पूरा चुनाव जो है अपने कंट्रोल में रखा, बाहर निकलने नहीं दिया, बांध के रखा शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव। तो कांग्रेस इसी पैटर्न पे आगे भी चुनाव लड़ेगी, इससे एक्सपीरियंस लेते हुए, इसका अनुभव उठाते हुए और 2024 में जरूर, क्योंकि कर्नाटक पार्टियों में फर्क ये है कि जब बीजेपी किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो जीत का हीरो एक ही होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कांग्रेस में जीत के हीरो कई हैं, सबके नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, सबके नाम लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल के जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिन्होंने रूरल एरियाज में जाके, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त वोट प्रतिशत कांग्रेस के दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर काम किया है। ऐसे में दोनों पार्टियों में ये फर्क तो साफ तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोराय नहीं है, दोनों पार्टियों में बिल्कुल फर्क दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम पार्टी के नेताओं ने कैंपेन किया।